लगता है बॉलीवुड सुपरस्टार और कैनेडियन सिटीजनशिप रखने वाले एक्टर अक्षय कुमार के करियर की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि अक्षय कुमार ने फ्लॉप फिल्मों की हैट्रिक मार दी है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार की बैक टू बैक तीन फिल्में औंधे मुंह जागीरी हैं, जिनमें बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज चौहान और रक्षाबंधन शामिल हैं। लेकिन अब एक और मुसीबत ने अक्षय कुमार को अपने चंगुल में फंसा लिया है। दरअसल अक्षय और जैकलिन फर्नांडिस की अपकमिंग फिल्म राम सेतु दिवाली के आसपास रिलीज की जाएगी, लेकिन रिलीज होने से पहले ही यह फिल्म भयंकर विवादों का सामना कर रही है। दरअसल बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्षय और उनकी टीम पर आरोप लगाते हुए कहा कि फिल्म राम सेतु का मुद्दा बेहद गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका दावा है कि फिल्म में वास्तविक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है और इसी मामले में फिल्म अब कानूनी दाव पेच का सामना करेगी। साथ ही साथ अक्षय कुमार पर भड़कते हुए बीजेपी के नेता ने अपने एक ट्वीट में यह भी कहा, अगर एक्टर अक्षय कुमार एक विदेशी नागरिक हैं तो हम उन्हें अरेस्ट करने और गोद लिए हुए देश से बेदखल करने के लिए बोल सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, राम सेतु एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें एक्टर के साथ जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी दिखाई देंगी। फिलहाल इस तरह की अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए लिटिल गपशप के साथ।